69 रनों से किंग्स इलेवन पंजाब को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद का कैंपेन बैक ऑन ट्रैक, तीसरी जीत जबकि पंजाब के लिए इस टूर्नामेंट की अब तक की पांचवी हार। लेकिन इस पांच पॉइंट वाले रिव्यू में अजित आगरकर मेरे साथ। T20 टाइम आउट पर पहला पॉइंट अजीत, राशिद खान का 15वां ओवर, 4 ओवर 12 रन, 3 विकेट उनके फाइनल फिगर्स। जब राशिद खान खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि T20 का मुकाबला 40 ओवर का नहीं होता, 36 ओवर का होता है, क्योंकि उनके 4 ओवर तो गिने ही नहीं जाएंगे ऑपोजिशन के लिए। खासकर वो 15वां ओवर जब उन्होंने 2 विकेट ली, निकोलस पूरन, शामी, गेम सेट मैच। देखिए तभी मुश्किल ऑलरेडी हो गया था क्योंकि विकेटें बहुत जा चुकी थी किंग्स इलेवन के लिए, पूरन थे और राशिद खान की हम जितनी तारीफ करेंगे उतना कम है क्योंकि टीमें उनके 4 ओवर राइट ऑफ कर देती है कि उनको विकटें नहीं देना, हमें आराम से खेलना है। लेकिन इस गेंदबाज में इतनी काबिलियत है कि उसके बावजूद जब टीम्स आपको चांस नहीं ले रही हो आपके खिलाफ या मारने की कोशिश ना कर रही हो आपकी गेंदबाजी को, फिर भी विकटें लेने की काबिलियत है और वो आज दर्शाया उन्होंने, क्योंकि कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ बड़े रन करने की किंग्स इलेवन। लेकिन जब आप उनको पिक नहीं करते और थोड़े से भी लेट होते हो उनके हाथ से जब गेंद छूटती है वो विकटें ज़रूर लेंगे। और अच्छी बात और पॉजिटिव एक अच्छा है सनराइजर्स के लिए कि पूरी टूर्नामेंट में इस गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं तो विकटें ज़रूर आएंगी। और चेन्नई से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेकर आज तो किंग्स इलेवन पंजाब के पीछे SRH भी पड़ गए थे, खासकर उनके ओपनर्स जो वॉटसन डुप्लेसी ने किया वही वार्नर और बेस्टो ने किया और 160 रनों की उनकी साझेदारी 16वें ओवर तक चली। और अजीत लगातार 10 का रन रेट उन्होंने बनाए रखा, न पेस न स्पिन उन्हें कोई नहीं रोक पा रहा था। और वो दोनों ऐसे बल्लेबाज है जिनको रोकना बहुत मुश्किल है अगर आउट नहीं करते आप उनको तो, कि बहुत पावर हिटर्स है इस गेम में। लेकिन बेस्टो जब खेलने लगते हैं और जिस तरीके की उनकी पावर है, पावर हिटिंग है, और दोनों एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब बेस्टो तेज खेल रहे हो तो वार्नर थोड़ा सा बैक सीट लेते हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लेकिन शायद जब एक बल्लेबाज अच्छा खेल रहा है तो दोनों का जो रिलेशन है बल्लेबाजी का या केमिस्ट्री है बैटिंग की, रनिंग बिटवीन विकेट्स बहुत अच्छी है, तो रोटेट करते हैं स्ट्राइक दोनों तो गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल होती है। चौके छक्के मारते ही है लेकिन जब रोटेशन होता है स्ट्राइक का तो गेंदबाजों को और भी परेशानी होती है, और उनकी वो खासियत है दोनों की, भागते अच्छा है रन, और कभी भी ऐसे बल्लेबाज है जिनको चाहे मुश्किल विकेट हो या अच्छी विकेट हो एक बार आप आउट नहीं करते तो उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए हम देखते हैं। और कोई सरप्राइज़ नहीं, पिछले साल से सनराइजर्स के लिए ऐसे खेलते आ रहे हैं और जब ज़रूरत थी आज उनको ये जीतना ज़रूरी था दोनों टीमों को, लेकिन आज जब जीतना जब जरूरी होता है तो आपको आपके बड़े प्लेयर्स का परफॉर्म करना जरूरी होता है, वही वार्नर और बेस्टो ने किया। दो पहिए वाली गाड़ी सही चलती है, एक से भले दो कहते हैं ना, इसलिए वार्नर बेस्टो जब साथ आए तो कमाल हुआ। लेकिन दूसरी ओर हमारा पॉइंट नंबर 3 निकोलस पूरन अकेले पड़ गया, उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। जब आप 200 से ज्यादा चेस कर रहे होते तो एक बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाएगा, या तो आज अगर जीतना होता किंग्स इलेवन को तो उनको 150 रन बनाने पड़ते, वो बहुत मुश्किल है T20 क्रिकेट में। 77 बनाए एक बल्लेबाज ने और किसी और ने 20 रन भी नहीं बनाए, हाई स्कोर की कोई 20 तक नहीं पहुंचा, तो आपको बताता है कि अकेले पड़ गए थे, उनको थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत थी। एंड में सिंगल लेना, मेरा मानना है गलती की उन्होंने कि सिंगल नहीं लिया, लेकिन क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं राशिद खान के खिलाफ टेलेंडर्स को बिल्कुल आने नहीं देना चाहता, उसमें शायद थोड़ा रिदम गया और आउट हो गया। लेकिन कमाल की पारी, क्योंकि ये एक स्पेशल प्लेयर है और हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों से कितनी इम्प्रूवमेंट रही है, और अब IPL में पता चल गया सबको कि ये ऐसे प्लेयर है जो अकेले मैच जिता सकते हैं। और वही सबसे ख़राब बात थी आज के गेम में किंग्स इलेवन के लिए कि उनके पास बल्लेबाजी है स्कोर के पास पहुंचने के लिए या चेस करने के लिए, पूरन के सिवा आज किसी ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया। और परेशानियों की शुरुआत तब हुई जब टॉप ऑर्डर क्लिक होना बंद कर गया। KL राहुल खासकर अगर हम देखें, आज 16 गेंदों में 11 रन, काफी ऑफ कलर, बेरंग लगे, अचानक क्या हो गया उनको? कप्तानी है, टीम हार रही, उसका प्रेशर है, ब्रेन फेड, क्या हो क्या रहा है उनके साथ? देखिए आउट हुए वो तो शॉर्ट स्वीप करने की गेंद थी, टॉपेज लग गया, लेकिन रिदम नहीं है, तो जब रिदम नहीं होता तो शायद आप थोड़े से सेकेंड गेस करते हो खुद को। चिंता ज़रूर होगी किंग्स इलेवन को कि क्या कप्तानी का दबाव उन पे ज़्यादा नज़र आ रहा है उनके बल्लेबाजी पे, क्योंकि आई होप ये एक मैच था क्योंकि रन इसके पहले उन्होंने बनाए। अगर दबाव आ रहा है कप्तानी का तो
जरूर चिंता की बात है, क्योंकि किंग्स इलेवन को राहुल बल्लेबाज की ओर तरफ से ज़्यादा चाहिए कि बल्कि कप्तान। तो आई होप वो चीज़ हो नहीं रही उनके साथ, लेकिन उनके रनों की ज़रूरत थी आज। आज थोड़ी सी हमें जो आदत है राहुल से देखने की, उससे अलग इनिंग्स थी बिल्कुल। तो उम्मीद करूंगा कि वो दबाव नहीं है, लेकिन अगले एक दो मैचेस में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उनके रन नहीं बनते तो ये लास्ट स्पॉट से किंग्स इलेवन का हटना मुश्किल हो जाए। और अब तो हाफ वे मार्क तक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले केकेआर के खिलाफ अगला मुकाबला। लेकिन इस रिव्यू का पांचवा आखिरी पॉइंट, इसके दो हिस्से, एक उनकी टीम सिलेक्शन, आज तीन बदलाव उन्होंने किए, सरफराज बाहर, क्यों उन्हें खुद को शायद ना पता हो, हरप्रीत बाहर, जॉर्डन आउट, मुजीब वाला चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन प्रभसिमरन आए, अर्शदीप आए, इन तीन बदलाव के बारे में क्या, और दूसरा उनका बैटिंग ऑर्डर, मैक्सवेल के बाद एक मनदीप है जिन्होंने कैमी अच्छा खेला था लेकिन आज सिमरन को नंबर तीन पर भेजा, ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये कुंबले का फैसला था या केएल राहुल का, आपने इन दोनों पहलुओं को किस तरह से देखा? देखिए, टीम सिलेक्शन तो एक सर्कल है बेसिकली, आप जब खराब खेलते हो तो चेंजेस करते हो, जब चेंजेस करते हो तो प्लेयर्स सिक्योर नहीं होते या कंटिन्यूटी नहीं होती, तो फॉर्म आना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ये मुश्किल चीज़ है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जब आप जीतते नहीं हो तो अलग अलग डायरेक्शन से आप पे दबाव आ जाता है और शायद फिर आप ढूंढने की कोशिश करते हो आपके बेस्ट 11 क्या है। मुझे लगता नहीं कि टीम खराब पिक की थी, 11 ठीक पिक किए थे, बल्लेबाजी थोड़ी कम थी, लेकिन 6 जो बल्लेबाज है, हमने प्रभसिमरन को भी आज देखा, ज़्यादा नहीं उन्होंने किया लेकिन दिख जाता है आपको कि किसी बल्लेबाज के पास काबिलियत है या अच्छे रन बनाने की क्षमता है, जो दो या तीन शॉट्स उन्होंने लगाए। तो तीन नंबर निकलस पूरन को आना चाहिए मेरा मानना है, क्यों उनको भेजा वो पता नहीं, खराब डिसीजन तो नहीं था लेकिन शायद वो अपनी बैटिंग थोड़ी लंबी करना चाहते थे कि पूरन अगर चार पे आते तो मैक्सवेल पाँच हो जाते, क्योंकि बैटिंग कम थी। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे प्लेयर्स से, टीम आप चाहे कितना भी चेंजेस कर ले, कोई भी 11 पिक कर ले, जब तक प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे आपको कभी भी वो सही नहीं लगेंगे 11 जो पिक किए। टीम ख़राब नहीं थी आज, 69 रन से हारने वाली टीम है नहीं ये पंजाब, परफॉर्मेंसेस की ज़रूरत है और इस वक्त बहुत कम लोग इस टीम में परफॉर्म कर रहे हैं। जी, किंग्स इलेवन पंजाब को बहुत कुछ बहुत जल्द करना पड़ेगा, 6 मैच खेल चुके हैं, 5 हारे हैं, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, जबकि हैदराबाद का कैंपेन एक और बार ऐसा लग रहा है कि उनकी गाड़ी पटरी पर आ चुकी है। लेकिन फिलहाल अजीत, थैंक सो मच, किंग्स इलेवन जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को पटरी पर लाए। हमारा शो इस समय खत्म, लेकिन अगला शो ESPN क्रिकेट इन्फो पर अब से बस कुछ ही घंटों में, कहीं ना जाना।